लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए नैना देवी पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए लाहन के 17 ड्रम पकड़े और उन्हें नष्ट भी किया गया। डीएसपी हेडक्वार्टर मदन धीमान ने बताया कि पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने दो अलग अलग जगहों पर छापेमारी की तो उन्हें जंगल में 12 ड्रम और रोड जामन में 5 ड्रम कच्ची शराब अवैध रूप से बनाई जा रही पकड़ने में कामयाबी मिली। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर 17 ड्रम हैं जिनमें 34,000 मिलीलीटर शराब को नष्ट किया गया है। जितनी भी जो असामाजिक गतिविधियां हैं उस पर जो है पूरी तरह से पैनी नजर रखी है। इस कड़ी में पिछले कल जो नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में थाना कोट कलू के अंतर्गत एक विशेष अभियान के अंतर्गत श्री नैना देवी उपमंडल पुलिस अधिकारी श्री विक्रांत बोसरा के नेतृत्व में वहाँ पर जो है इसकी छानबीन की गई और इस दौरान ये जो जंगल में जो है दबट क्षेत्र में 12 ड्रम जो जमीन में जो है दबा कर रखे थे जिसमें जो है ये कच्ची शराब जिसे लोकल भाषा में लाहन भी कहते हैं वो उसे भरे हुए पाए गए और इसके अतिरिक्त जो है 5 रोड जामन जो जंगल है 5 ड्रम वहाँ भी थे। तो इन जो 17 ड्रम जो बरामद हुए उन्हें सीज किया गया और जानकारी ये है कि ये एक ड्रम में 200 लीटर के करीब जो है ये लाहन होती है जिसमें जो है जो मटेरियल जो पड़ता है गुड़ का जो भी है तो एक में जो है 200 लीटर के करीब ये लाहन आती है। तो इस प्रकार से ये पूरा जो 17 ड्रम में जो है 3400 लीटर के करीब जो है ये लाहन थी जिसे सीज करने के बाद जो है वहाँ पर वहीं उसी जगह पे जो है इसे डिस्ट्रॉय किया गया। और ये किस क्षेत्र से या किस व्यक्ति द्वारा ये वहाँ पर जो है रखे गए थे उसके बारे में भी जानकारी हासिल की जाए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए नैना देवी पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाहन के 17 ड्रम पकड़े और उन्हें नष्ट भी किया। पुलिस ने दो अलग अलग जगह पर छापेमारी की तो उन्हें दबट के जंगल में 12 ड्रम और रोड जामन में 5 ड्रम कच्ची शराब अवैध रूप से बनाई जा रही पकड़ने में कामयाबी मिली। कुल मिलाकर 17 ड्रम हैं जिनमें से 34,000 मिलीलीटर शराब को नष्ट किया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।